स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर 12 मार्च को आक्रोश रैली का आयोजन के संबंध में आज प्रेस क्लब में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में उपस्थित समाज सेवी और शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव ने कहा कि राज्य सरकार के शिथिल नीति को जागृत करने के लिए आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थान तय नहीं है, लेकिन रांची में होगा और लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। बातें थी, विषय था कि 12 मार्च को स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर के और भाषा विवाद को लेकर के राज्य सरकार की जो शिथिल नीति है, कदम अभी तक नहीं बढ़ी है, उसको जागृत करने के लिए आक्रोश रैली का आयोजन के संबंध में बातचीत हुई। अभी स्थान तय नहीं है, लेकिन रांची में होगा और लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, ऐसा हम लोग का आह्वान है। और हमने महसूस किया है, आज कमेटी ने महसूस किया है, 21 सालों में भी स्थानीय नीति का नहीं बनना, नियोजन नीति बनना राज्य के लोगों की दुर्भाग्य। वर्तमान सरकार भी कांग्रेस राजद और जेएमएम की सरकार जो सत्ता में आई, वो भी टालम टेल नीति निभा रही है। कही थी कि स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, सत्ता में आने के बाद भी 2 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई नमूना पेश नहीं किया। और जो कुछ भी नमूना पेश करता है, उस सरकार के कोर्ट के नज़र में, सरकार का कदम कोर्ट के नज़र में असंवैधानिक हो जाता है। नियुक्ति नियमावली ने उन्हें ने कहा कि यहाँ के मूल निवासी जो अगड़ी लोग हैं, मुंबई में पढ़ेंगे, दूसरे जगह पढ़ेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, वो स्थानीय नहीं होंगे। आरक्षित वर्ग के लोग यहाँ पर स्थानीय होंगे, ये बांटने का काम किया है और असंवैधानिक काम के संविधान। हमको लगता है इसमें बड़ी साजिश है, नियुक्ति को बाधित करने के लिए इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है झारखंड की धरती पर। और अभी तुरंत भाषा विवाद को खड़ा कर दिया, भाषा विवाद तो सरकार ने एजेंडा दिया और हम लोग बड़ संघर्ष की ओर जा रहे हैं, तो बड़ संघर्ष उचित नहीं है। सरकार इसको समाधान करते, हमको लगता है कि सरकार अगर यहाँ के मूल भाषा जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देकर के अगर घोषित करता और दूसरे को नहीं करता, जो बिहार मूल की भाषा है, को तो कोई विवाद नहीं होता। कितने कौन-कौन विभाग में खाली पड़ा है और राज्य में राज्य के विभिन्न संवर्गीय पदों का लगभग 244,000 पद रिक्त हैं। शिक्षक के हैं, प्रोफेसर के हैं, तमाम चीज के हैं, उससे अगर जोड़ेंगे तो अधिक भी हो जाएगा। वो सारे के सारे पद खाली हैं और यहाँ के युवा रोड पर बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार समाधान करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, निकम्मा साबित हो रही है। ये है, इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमको लगता है कि 12 मार्च की रैली हमारी सफल हजारों लाखों लोगों की होगी और हम 21 साल के साथ साथ वर्तमान सरकार के करतूतों का हम एक सोशल ऑडिट पेश करने वाले हैं। देखिए, वर्तमान की सरकार में जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां हो रही है, हमारा कहना है कि हम बरसों से मांग कर रहे हैं स्थानीय नीति की। जब से झारखंड सरकार बनी है तब से ये मांग हम लोग कर रहे हैं और पिछले 6 महीना से लगातार हम लोग स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नीति पहले लागू हो, उसके बाद यहाँ जो बहाली हैं, जो नियुक्तियाँ हैं, उसको करे, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार चुपके से पिछले दरवाजे से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नियुक्तियाँ कर रही, ये असंवैधानिक है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ लगभग 40 से 50 संगठन, सामाजिक संगठन, हम लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि पहले स्थानीय नीति लागू होनी चाहिए, उसके बाद बहाली होना चाहिए। सरकार कहती है कि 75% हम यहाँ के स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे, लेकिन पहले ये तो पहले फैसला करे कि स्थानीय है कौन। पहले स्थानीय नीति पहले बनाना चाहिए, पहले तय करना चाहिए कि ये स्थानीय नीति माने स्थानीय है कौन,
उसके बाद जो आरक्षण की बात करती है कि 75% हम यहाँ के स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे, और पिछले दरवाजे से जो आउटसोर्सिंग से बहाली कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, इसको रोकना चाहिए और पहले स्थानीय नीति लागू कर के और यहाँ जो बहाली है, जो अन्य विभाग में हर विभाग में कहीं ना कहीं वैकेंसी है, उस वैकेंसी के यहाँ के लोगों का, यहाँ के खतियानधारियों का, यहाँ के स्थानीयों का द्वारा उसको भरना चाहिए। लगातार 6 महीने तो अभी ज्वाइनिंग हो रही है, उन लोगों को रद्द करने की कैसे आप कोशिश करेंगे? उसका रद्द करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो युवक, जो पढ़े लिखे, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वैसे लोग आज दर दर भटक रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं, और इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पहले जो यहाँ के युवक युवतियाँ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वैसे लोगों को करना चाहिए, और अभी तक जो भाई आउटसोर्सिंग पर जो बहाली हुई है उसको रद्द करके उन लोगों को हटाना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।